नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। दुआओं में आपके उज्जवल भविष्य की मैं प्रार्थना करता हूँ। आज बसंत पंचमी है और आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मौसम बहुत ही गर्म हो रहा है और मैं नैनो के अंदर एसी को ऑन करके आज की वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है वो भी इसी के अकॉर्डिंग ही है, इसके आधार पर ही आधारित है। क्योंकि देखिए, अक्सर जो हमारे सब्सक्राइबर है, मेरी जब उनसे बातचीत होती है तो वो अपनी कमियां मेरे साथ शेयर करते हैं, तो उसी में से एक कमी है जिसका कि मेरे पास कमेंट सेक्शन में भी कई बार सवाल आ चुका था, तो सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दी जाए। तो सवाल आपका ये होता है कि मिंटू भाई, जब हम अपने गाड़ी में नैनो के एसी को ऑन करते हैं या ब्लोवर को ऑन करते हैं, तो जैसे ही हम अपने ब्लोवर को 1 या 2 पर करते हैं तो ये 1 और 2 के नंबर पर काम ही नहीं करता है, चलता ही नहीं है। जब इसको हम 3 नंबर पे लाते हैं तो ही हमारा ब्लोवर चलता है और बिल्कुल फुल स्पीड पर चलता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात जानेंगे कि हमारे टाटा नैनो का जो ब्लोवर है 1 और 2 पे काम क्यों नहीं करता है, 3 पर ही फुल स्पीड पर काम क्यों करता है, ऐसा जब इसमें हो जाता है तो कौन सा पार्ट्स ऐसा है जिसमें कमी आ जाती है, और उस पार्ट्स की जो लोकेशन है वो भी आपको आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो प्लीज आज की वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिंटू और आप इस वक्त है अपने ही यूट्यूब चैनल मिंटू रोडस्टर पर। देखिए क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा आपका ब्लोवर कंट्रोलर का यहाँ पर जो नॉब एक लगी हुई है, ये एक प्रकार से रेगुलेटर की तरह काम करती है। जैसे आपके घर पर जो फैंस लगा होता है उसमें जो आपका रेगुलेटर होता है, जब आप उसको कम तेज करते हैं तो आपके पंखे की स्पीड कम या तेज हो जाती है। अगर आप अपने पंखे के ऊपर उस रेगुलेटर को नहीं लगाएंगे तो वो बिल्कुल फुल स्पीड पर ही चलेगा। तो ठीक ऐसा ही हमारे नैनो के ब्लोवर के साथ था, अगर इस रेगुलेटर को नहीं लगाया जाता तो जो इसकी स्पीड थी वो फुल स्पीड पर चलती है। तो फुल स्पीड पर अगर आपका ब्लोवर चलेगा तो उसमें कुछ देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके ब्लोवर फुल स्पीड पर चलेगा तो एसी की जो ठंडक होती है वो इतनी ज्यादा हमको नहीं मिल पाती है। और साथ ही साथ आप देखेंगे जब हम इसको 3 नंबर पर करते हैं तो ये आवाज भी इसमें से एयर फ्लो की काफी तेज आवाज भी आने लगती है, तो इतनी ज्यादा हवा की हमको जरूरत नहीं होती है, ये कुछ देर के लिए तो हमें अच्छी लगती है। तो इसीलिए जब भी हम अपने टाटा नैनो के एसी को ऑन करते हैं तो मैं आपसे अक्सर यही बोलता हूं कि आप 1 या 2 नंबर पर ही अपने एसी को रखेंगे तो अच्छे प्रकार से कूलिंग मिलेगी। लेकिन अगर 1 और 2 पर आपका ब्लोवर चलेगा ही नहीं तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आप लोगों के लिए। जब ऐसी समस्या आपके सामने आ जाती है तो देखिए आपके मन में कई सारे सवाल आ जाते हैं कि सर, हमारे एसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है, कहीं हमारा जो इसका जो आपका ब्लोवर है उसमें तो कोई फॉल्ट नहीं आ गया, या फिर ये जो कंट्रोल यूनिट है पूरी की पूरी इसके अंदर तो ऐसा कोई फॉल्ट जो है वो नहीं आ गया है। तो इस तरह के सवाल आपके मन में आते हैं। तो देखिए, उस जिस प्रकार से हमारे घर के फैन का रेगुलेटर काम करता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी रेगुलेटर काम करता है। लेकिन जो हमारे घर का रेगुलेटर जो होता है उसके उसमें एक प्रकार की रेजिस्टेंस लगी होती है जो कि इलेक्ट्रिक को आपके जो वोल्टेज को कम और बढ़ाती है, यानी कि करंट को कम और ज्यादा भेजती है। तो उस पर ही वोल्टेज, उस पर ही जो स्पीड है कम तेज होती है। जब आप देखते हैं कभी कभी आपके घर में जब वोल्टेज डिम आ जाती है तो उस टाइम पर हमारा पंखा बहुत ही स्लो चलता है, बल्ब भी बहुत ही धीरे जलते हैं और ट्यूबलाइट तो खैर जलती नहीं है। तो देखिए वही चीज हो जाती है। अब ये हमारा जो फैन होता है ये डीसी के थ्रू चलता है, डीसी के करंट पर चलता है, तो इसका ये जो रेगुलेटर है इससे इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो यहां पर नहीं लगी होती है, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो यहां पर नहीं होती है। इस रेगुलेटर को जो कंट्रोल करता है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये मेरे पास एक पुरानी एसी कंट्रोल यूनिट आप मेरे पास देख सकते हैं, और ये मैंने इसलिए ली थी क्योंकि यार एक बार जो मेरा यहां पर ये वाली जो नॉब है ये टूट गई थी। क्योंकि देखिए, अगर ये दोनों तीनों नॉब में से कोई भी अगर आपकी टूट जाती है तो आसानी से मिलती नहीं है, तो पूरा का पूरा ये कंट्रोल यूनिट ही लेना पड़ता है। तो मैंने स्क्रैप मार्केट से ये एसी कंट्रोल यूनिट लिया था, तो इसमें से तीनों की तीनों नॉब मेरे काम आ रही है, क्योंकि ये तीनों की तीनों नॉब का जो अंदर का जो स्लोप जो साइज है वो सेम ही है। तो देखिए आप, मैं इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आज की वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा कि कैसे आप अपनी इन नोब को टूटने से भी बचा सकते हैं। तो आपको दिखा देना चाहता हूं, ये जो आप इसको देख रहे हैं, ये बीच वाला जो रेगुलेटर आप देख रहे हैं इसका, ये देख सकते हैं आप 1, 2, 3 स्पीड जिस पर मेंशन किया गया है। तो आप देखेंगे कि इसका जो पीछे का जैक है इसमें आपको ये पांच पिन दिखाई दे रही होंगी इस प्रकार की, ठीक है ना। इसमें जो 2 पिन नीचे की है वो तो इसका आपकी सप्लाई की होती है, क्योंकि देखिए जब हम अपने एसी के स्विच को आप देख सकते हैं जब हम ऑन करते हैं, अगर ब्लोअर हमारा ऑफ है तो आप देखेंगे कि एसी जो है बिल्कुल भी वर्क ही नहीं करेगा। जब तक आपके ब्लोअर का स्विच, ब्लोअर आपका ऑन नहीं होगा तब तक एसी नहीं काम करेगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पे ब्लू लाइट ऑफ हो गई जबकि एसी का स्विच ऑन है, और एसी का स्विच ऑन करने के बाद भी ब्लू लाइट ऑन नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब जैसे ही हम इसके नोब को घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइट ऑन हो चुकी है। तो ब्लोवर से भी एसी का ही कनेक्शन होता है, क्योंकि ब्लोवर नहीं चलेगा तो एसी आपका काम नहीं करता है। तो उसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं, ये जो 2 इसमें जो पॉइंट दिए गए ये इसकी सप्लाई के है, बाकी ऊपर के जो 3 इसमें आप ये देख रहे हैं, 3 इसके जो आपको
इसमें जो आपको तीन जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो इसके थ्री स्पीड के हैं। आप देख सकते हैं ये 1, 2, 3 स्पीड, ये इसकी थ्री स्पीड के पॉइंट है और ये जाकर हमारे ब्लोवर में एक रजिस्टर लगा होते हैं जिसको रजिस्टर बोला जाता है, उसके अंदर ही रेजिस्टेंस होती है। वो जो रजिस्टर देखिए वो जो रेजिस्टेंस जो होता है जिसको बोला जाता है वो क्या काम करता है कि हमारे जो वोल्टेज है उसको कम और तेज करता है। अगर वो चीज इसके अंदर नहीं लगती है या वो चीज इसके अंदर खराब पड़ जाती है तो हमारे टाटा नैनो की जो ब्लोवर है बिल्कुल फुल स्पीड पर ही चलेगा, ये आपका 2 और 1 पे काम नहीं करेगा। तो अब मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि वो जो रजिस्टर है जिसके अंदर रजिस्टेंस लगी होती है आपका कॉपर की जो तारे होती है उसके रूप में वो लगी होती है, और उसको जो है यहाँ ना लगा करके एसी के ब्लोवर में इसलिए फिट कर दिया गया कि ताकि वहां से जब हवा खींचती रहती है तो वो गर्म होकर के खराब ना हो जाए, वो आसानी से वहां पर लंबे समय तक चलता रहे। लेकिन जब वो खराब भी होता है तो भी इसी की वजह से खराब हो जाता है, क्योंकि जब एयर का फ्लो उसमें चलता है तो कई बार रस्टिंग की वजह से उसके अंदर जो उसके पॉइंट्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस टाइम पर वो खराब हो जाता है। तब हमारा जो 1 और 2 आप देख सकते हैं पहला और दूसरा जो स्पीड है वो काम नहीं करती है, थर्ड पे ही फास्ट स्पीड में काम करता है। जब ऐसी कभी कमी आपकी नैनो में आती है तो सबसे पहले आपने उस रजिस्टर को ही चेंज करना है, जो इसका रजिस्टर्स होता है उसको ही चेंज करना है। मैं आपको वो लोकेशन इसकी दिखा देता हूँ कि बहुत ही भाई कंजेस्टेड लोकेशन है, बहुत ही डार्क एरिया है जहाँ पर वो इसकी रजिस्टर्स लगी हुई है। अब मैं आपको वहाँ पर लेकर के चलता हूँ, क्योंकि जब भी आपके नैनो में इस प्रकार का फॉल्ट आएगा तो आपको सबसे पहले उस तक ही पहुँचना होगा। तो देखते हैं नैनो में, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि बहुत ही, अब मैं सबसे पहले लेकिन मोबाइल कैमरा को देखिए बहुत ही ज़्यादा देखिए, मुझे यहाँ पर नाली में खड़े होकर के यहाँ पर इस पर तक पहुँचना होगा। तो देखिए ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अभी देखिए मुझे इस वाली रेड लाइट को पहले ऑफ करना होगा। देखिए मैंने इस वाली रेड लाइट को ऑफ कर दिया है, अब मुझे यहाँ पर टॉर्च इसकी जो लाइट है फ्लैश लाइट को भी ऑन कर लेता हूँ, और देखिए मुझे अपने मोबाइल को भी ट्राईपोड से निकालना ही होगा तब भी ये जा वहाँ पहुँच पाएगा। और आपको मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मैं ये चीज़ इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि बाकी जो कार्स होती है उनके अंदर ये जो एयर, ये जो आपको दिखा सकता हूँ मैं, ये जो ब्लोवर आप देख पाएंगे, ये जो ब्लोवर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये देखेंगे आप, ये जो ब्लोवर जिससे हवा निकलती है, बाकी जो भी कार्स होती है उन पे ये लेफ्ट हैंड साइड पर ही ब्लोवर के अंदर दिया जाता है, तो उसको बहुत ही इजीली होता है निकाल पाना। क्योंकि देखिए अगर आपकी नैनो में इस प्रकार की समस्या आ जाती है तो मैकेनिक ढूंढता ही रह जाएगा कि ये जो इसका रजिस्टर है रजिस्टेंस है वो कहाँ पर लगी हुई है, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आपने आज की वीडियो को देखा होगा आपकी नैनो में ये समस्या आती है तो बड़ी ही आसानी से मैकेनिक को भी उस लोकेशन तक पहुँचा सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो लोकेशन कहाँ पर है। तो देखिए बहुत ही कंजेस्टेड और डार्क एरिया है जहाँ पर हमारी ये जो है रेजिस्टेंस लगी हुई है, रजिस्टर लगा हुआ है जी। देखिए आप बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है यहाँ पर पहुँच पाना, इसको दिखा पाना। यहाँ पर मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं ये जो इसका पॉइंट है जहाँ पर एसी का फिल्टर लगा होता है, एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने इसके एसी के फिल्टर को निकालने की सारी जानकारी आपको दी थी। तो ये जो एसी का फिल्टर है ठीक इसके पीछे ही ये रजिस्टर लगा होता है, आप देख पाएंगे बहुत ही मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना, और इसको अगर मैं निकालूंगा तो वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि इसको दिखाना भी बड़ा मुश्किल होगा। ये देखिए आप देख सकते हैं ये वाइट वाइट जो जैक आपको दिखाई दे रहा है जिसमें 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये देखिए मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा फोकस भी देता हूँ यहाँ पर, बहुत मुश्किल है यहाँ पर फोकस दे पाना। ये देखिए यही है वो रजिस्टर, और ये इसमें एक पेंच लगा होता है नीचे की तरफ, आपको मैं दिखाना चाहूँ तो बहुत मुश्किल है। देखिए अगर मैं इसको निकालूंगा तो वीडियो बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ये यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर बहुत ही कंजेस्टेड जगह पर है, और जब कभी आपकी नैनो में इस तरह का फॉल्ट आता है तो आपको यही रजिस्टर्स को निकाल के नया लगाना है, और ये नया जो है 180 से लेकर के 250 रुपये तक आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसकी लोकेशन भी देखिए, मोबाइल तो जा ही नहीं पा रहा है क्योंकि हाथ भी जाना बड़ा मुश्किल हो पाता है यहाँ पर। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार देखेंगे आप ये है, अब आपको एक बार फिर से पीछे से दिखाता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं ये इसका एसी फिल्टर, आपको यहाँ से दोबारा से दिखाता हूँ। देखिए ऐसे जैसे ही आप अपने नीचे के राइट ड्राइवर साइड की तरफ जाएंगे तो आपको ये आपकी स्टीयरिंग रोड के ठीक पीछे यहाँ पर आपको एसी फिल्टर की प्लेसमेंट दिखाई दे जाती है, और ठीक इसी के बिल्कुल पीछे आप देखेंगे कि ये ब्लोवर का कुछ हिस्सा है जिस पर एक जैक लगा हुआ है, जिस पर ये वायर लगी हुई, जिस पर 3 तरह की वायर लगी है आपकी, ग्रीन है, ब्लैक है और एक रेड कलर की वायर है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ फिर से एक बार मैं, तो देखिए ये है, और इसमें सिर्फ एक ही पेंच आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला,
एक पेंच देखिए ये वाला, मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला, ये देखिए सिर्फ एक ही पेंच पर ये कसा हुआ है, सिर्फ आपको ये वाला पेंच ही निकाला है, लेकिन बहुत ही छोटा पेचकस जो है वो इस तक जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे मेरे पास जो इस वक्त है बहुत ही बड़ा पेचकस है जो कि यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, इसे मैं नहीं निकाल पाऊंगा। और इसके निकालने के लिए भी जुगाड़ के लिए मैंने एक पेचकस को तोड़ के बनाया भी था, लेकिन इसको जब जैसे ही ये वहां तक पहुंच पा रहा है लेकिन इसको मैं घुमा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर नहीं लग पा रहा है टूटे होने की वजह से। और जो मेरे पास जिसको मैंने एसी फिल्टर जब मैंने निकाला था तो वो वाला जो स्क्रू ड्राइवर था उसी से ही ये निकल पाएगा। अगर मैं इसको निकाल भी दूँ तो ये वीडियो में आपको दिखाई नहीं पाऊंगा। अगर आप इस रजिस्टर को नहीं निकाल सकते हैं, आपके लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, तो आप किसी मैकेनिक के पास जाकर भी करके भी ये काम को आप करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्स को लेकर के 150 रुपए से लेकर के आपको 250 रुपए तक की आपको मिल जाएगी, तो उस टाइम पर अब देखिए मोबाइल भी शायद उल्टा हो गया है मुझे लग रहा है, क्योंकि ट्राइपॉड के बिना पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो देखिए ये तो मैं आपको आज की तो फिर वीडियो में मैंने आपको लोकेशन इसकी दिखा दिया है, क्योंकि जहां पर ये लगा हुआ है अगर आपकी नैनो स्ट्राइक का फॉल्ट आ जाता है तो ठीक है, रजिस्टर्स आपको लेनी है और मैकेनिक के पास जाकर के अभी आप इसको चेंज करा सकते हैं। अगर आप खुद से भी निकालेंगे तो निकाल पाएंगे, ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इसको निकालने के लिए, लेकिन काफी मुशक्कत करनी पड़ेगी। फिर भी अगर आपको लगता है आप इसको आसानी से कर पाएंगे तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो आप मैकेनिक से इस काम को करा लेंगे तो बड़ी आसानी से वो भी कर देगा, इसमें कोई ज्यादा मोटी लंबी चौड़ी चीज नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आज की इस वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में नैनो की अगली जानकारी में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।